मैं वरदानी क्रोधासुर अपने परम शत्रु महागणेश की इच्छा कदापि पूरी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ इस कैलाश भूमि पर महागणेश का अवतार लंबोदर प्रकट होने वाला है, किंतु उससे पहले ही मैं इस कैलाश भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। देवर्षि, तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर भी ये उन्मत्त हो गया? इसे तो उन्मत्त होना ही था। मैंने तो पहले इसे भस्म करने का परामर्श दिया था। इसका जीवित रहना उचित नहीं है स्वामी। मंगल मूर्ति, श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका है। इस दुष्ट क्रोधासुर को परास्त करने वाले श्री महागणेश के अवतार लंबोदर के प्रकट होने का अवसर आ चुका है। जो आज्ञा पिताश्री। परम देव श्री महागणेश के परम पावन लंबोदर अवतार प्रकट हो। गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान तो तुम्हें भलीभांति है लंबोदर। उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने का समय आ चुका है। जो आ गया पिताश्री। इस प्रकार क्या देख रहे हो क्रोधासुर? मुझसे युद्ध करो। कहां गई तुम्हारी वरदानी शक्ति? कहां गया तुम्हारा क्रोध? युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। यदि युद्ध का साहस न हो तो अपने अपराधों की क्षमा मांगकर पाताल चले जाओ। नहीं, न मैं पहले पाताल गया था न पाताल जाऊंगा। मैं त्रिलोकपति हूँ, तीनों लोकों का सम्राट हूँ। स्वर्ग के सिंहासन पर मैं ही बैठूंगा। तू कौन होता है मुझे पाताल भेजने वाला? मुझे पहचानने में भूल ना कर मूर्ख क्रोधासुर। मैं तेरा काल हूँ काल। भलाई इसी में है कि स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल के अंधकार में अचेत हो जाओ। अचेत तो मैं तुझे करूँगा गजमुख। तेरे माता पिता और सभी शुभ शक्तियों को अचेत कर पाताल के अंधकार में धकेल दूंगा। ले संभाल मेरा प्रहार। Thank you.
मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ भगवान। हे लंबोदर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगकर तुमने अपने जीवन की रक्षा कर ली, परंतु तुम्हें क्षमा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और उन सबसे क्षमा मांगो जिन्हें तुम्हारे अत्याचारों के कारण कष्ट भुगतना पड़ा। जो आज्ञा भगवान। हे दया की मूर्ति, हे आशुतोष भगवान शिव, क्रोध ने मेरे विवेक और बुद्धि को नष्ट कर डाला था, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोधासुर, इस संसार में क्षमा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अजेय बना देती है, परंतु तुम्हें मुझसे नहीं, देवी पार्वती से क्षमा मांगनी चाहिए। हे माते, हे जगत जननी, तुम्हारा ये पुत्र कुपुत्र एवं दुष्ट था, किंतु तुम्हारे ही पुत्र लंबोदर के दर्शन पाकर इसके भीतर विवेक और बुद्धि जाग गई है। हे माते, मुझे क्षमा करके जीवन जीने का अवसर दे। माता, क्रोधासुर का क्रोध अब शांत हो गया है, क्रोध के स्थान पर अब उसके भीतर बोध जागा है। अब इसे क्रोधासुर नहीं बोधासुर कहना ही उचित होगा, अब इसे क्षमा कर देना ही उचित है। माता, श्री महागणेश के अवतारों के पावन दर्शन पाकर मेरे हृदय में श्री गणेश भक्ति का उदय हो गया है। अब मैं श्री गणेश भक्ति करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहूंगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स बोधासुर, आज के बाद तुम इस संसार में गणेश भक्त बोधासुर के नाम से ही प्रसिद्ध होगे।